गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल आरएक्स फार्मा चैट। तो दोस्तों, जब हम में से कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, सेक्स से रिलेटेड उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना उनके लिए सेफ है या अनसेफ है, अगर वो प्रेगनेंसी में सेक्स करती हैं तो उनके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी में कौन से ट्राइमेस्टर में आपके लिए सेक्स जो है वो सेफ होता है और कौन कौन सी सेक्स पोजीशन आपके लिए प्रेगनेंसी में सेफ होती है, और अगर आप प्रेगनेंसी में सेक्स करती हैं अपने पार्टनर के साथ तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे लेनी चाहिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे मन में, आपके मन में बहुत सारे अराइज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये अच्छी खबर दे देती हूँ कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना बहुत ज़्यादा सेफ होता है और इसको साथ ही साथ हेल्दी भी माना जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें आपको सेक्स करना अलाउड नहीं होता है, जैसे कि आपके बॉम में ट्विंस पल रहे हों, या आपको बहुत ज़्यादा वाइड डिस्चार्ज हो रहा हो, या फिर प्रेगनेंसी के साथ साथ आपकी ब्लीडिंग चल रही हो, आपके पीरियड्स चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में, या फिर आपको डॉक्टर ने आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन को देख के या आपके यूटरस की कंडीशन को देख के आपको सेक्स के लिए मना किया है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सेक्स नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 22% लेडीज हैं जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिनको बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे नौजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, चक्कर आना हो गया, या हल्की हल्की पेट दर्द उनको रहना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहना उनको शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी औरतें जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में सेक्स करने के लिए अनकंफर्टेबल फील करती हैं, थोड़ा शाय नेचर फील करती हैं, या फिर उनका मूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे सेक्स अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाते हैं, आपका मूड भी अच्छा रहने लग जाता है, और आपके यूट्रस का साइज भी इतना बड़ा नहीं होता है, आपके बॉम का साइज भी इतना बड़ा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको सेक्स करना बिल्कुल सेफ माना जाता है, हेल्दी माना जाता है, और जिसमें बहुत सारी लेडीज जो हैं वो अपने आप को सेक्स के लिए कंफर्टेबल फील करती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में बॉम का साइज बड़ा होने लग जाता है, बढ़ जाता है, तो सेक्स के टाइम उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है, बहुत सारी लेडीज यहाँ अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो आपका जिस तरीके का पार्टनर का मूड है उस तरीके से आप सेक्स को यहाँ पे टाइम दीजिए, लेकिन अगर आप खुश हैं सेक्स करने के लिए प्रेगनेंसी में तो आपको कुछ जरूरी सेक्स पोजीशंस यहाँ पे यूज करनी चाहिए। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको उन सेक्स पोजीशंस के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी आपके लिए प्रेगनेंसी में सेक्स करने के लिए सेफ है। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो टेंस्ड रहती हैं कि प्रेगनेंसी में जब वो सेक्स करती हैं सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उनके बच्चे को कोई नुकसान ना हो, पेनिस के टच होने पे उनके सिर पे कोई चोट ना लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आप प्रेगनेंसी में सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर सेक्स करती हैं तो आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है, पेनिस आपके यूट्रस आपके बच्चे तक नहीं टच होता है, आपका यूट्रस बाय गॉड ग्रेस इतनी अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है, इतनी मसल्स उनको स्ट्रॉन्ग करके रखती हैं, माइनोटिक फ्लूइड जो यूट्रस के अंदर होता है वो बेबी को इतनी ज़्यादा सुरक्षित रखता है कि कोई भी बाहरी चोट बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है, बच्चे को नुकसान नहीं कर पाती है। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ होता है। एक दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना आपके लिए हेल्दी भी होता है और आपके बच्चे के लिए। क्यों और कैसे? क्योंकि जब हम सेक्स करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, पेल्विक एरिया का, यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी में जब आपके लोअर पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ये आपके बेबी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। यूट्रस का जो सर्विक्स होता है उसके ओपनिंग के ऊपर एक मसल का प्लग लगा हुआ होता है जो कोई भी जर्म्स को, कोई भी इंफेक्शन को आपके यूट्रस के अंदर नहीं जाने देता है। बाय गॉड ग्रेस गॉड ने इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड हमारे बच्चे को हमारे बॉम में रखा हुआ होता है कि कोई भी इंफेक्शन, कोई भी जर्म, कोई भी चोट बीमारी
उस तक नहीं पहुंच पाती है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना हेल्दी कैसे होता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करती हैं तो आपकी पेल्विक एरिया का, आपके लोअर पार्ट का और अपनी फुल बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सप्लाई होता है, वो डबल हो जाती है। और इस कंडीशन में ये आपके बच्चे के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। प्रेगनेंसी में सेक्स करने से जो लेडी का इम्यून सिस्टम होता है वो भी बूस्ट होता है। और प्रेगनेंसी में आप जब सेक्स करती हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शन से आप बचती हैं, बहुत सारे बाहरी इन्फेक्शन, जैसे मौसम चेंज होने पे आपको सर्दी खांसी जुकाम या कोई और इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन से भी सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको सेफ रखता है। कोई भी इन्फेक्शन आप तक या आपके बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है। ये आपकी कंडीशन को, आपकी हेल्थ को और आपके बच्चे की हेल्थ को बिल्कुल सेफ रखता है, बिल्कुल हेल्दी रखता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करती हैं तो एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाती है। और ये हमारी एंजाइटी को दूर करने के लिए, हमारे मूड को अच्छा रखने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए ये वाला जो हार्मोन है ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो प्रेगनेंसी में जब आप सेक्स करती हैं ये बहुत ज्यादा, इसकी प्रोडक्शन होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी में अच्छी नींद आती है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। आपकी जो दिमाग की नसें हैं वो भी बिल्कुल शांत रहती हैं और आपकी हेडेक भी आपसे बहुत ज्यादा दूरी पर रहती है। जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करती हैं, ये प्रेगनेंसी में होने एक प्रीक्लैम्प्सिया एक कंडीशन होती है जिसको ये दूर रखने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आपके मन में अब ये सवाल होगा कि प्रीक्लैम्प्सिया क्या होती है। प्रीक्लैम्प्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब प्रेगनेंसी में आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, पैरों में, टांगों में, घुटनों के पास या आपके एंकल्स के पास बहुत ज्यादा चर्बी रहना शुरू हो जाती है, सूजन आना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल जब घरों में आप स्लीपर भी पहनते हैं वो आपसे स्लीपर पहना नहीं जाता, इतना ज्यादा आपके पैरों में सोजिश स्वेलिंग आ जाती है। तो इस कंडीशन को प्रीक्लैम्प्सिया कहते हैं। लेकिन बहुत टाइम तक जब इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, प्रेगनेंसी में आप इसको इग्नोर करती हैं, तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा सिवियर हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम एक्लैम्प्सिया कंडीशन कहते हैं। तो ये 50% लेडीज में देखी जाती है, लेकिन आप जब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग सेक्स करते हैं तो ये कंडीशन आपसे मिलो दूर हो जाती है, आपको ऐसी कोई भी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है और आपका बच्चा बिल्कुल सेफ रहते हैं। प्रेगनेंसी में दो हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा लेडी की बॉडी में रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हॉर्मोन जब बहुत ज्यादा रिलीज होने लग जाता है, सेक्स के प्रति आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपको अपने पार्टनर को इसमें टाइम देना चाहिए। और सेक्स प्रेगनेंसी में, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा भी होता है, सही भी होता है और आपके लिए, आपके बच्चे के लिए हेल्दी भी होता है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्स आपके लिए और आपके बच्चे के लिए कितना ज्यादा हेल्दी है, कितना ज्यादा सेफ है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी सेक्स पोजीशंस हैं जो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको यूज करनी चाहिए, कौन कौन सी पोजीशन आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जब प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो आपका बोन का साइज एकदम से बढ़ने लग जाता है, जिससे आपको फेस टू फेस सेक्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है, आपके बच्चे पे दबाव पड़ने लग जाता है। इसलिए आपको ऐसी सेक्स पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जो फेस टू फेस हो, मतलब जिसका, जिसमें आपका बॉम जो है वो बीच में आ रहा हो। तो अब आपको कौन कौन सी सेक्स पोजीशंस यहाँ पे आपको यूज करनी चाहिए प्रेगनेंसी में जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। पहली सेक्स पोजीशन में आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे लेडी आगे की तरफ होती है और यहाँ पे मेल पीछे की तरफ रहता है, ये सेक्स पोजीशन भी बिल्कुल सेफ रहती है। दूसरी सेक्स पोजीशन है जैसे कि मेल लेटा हुआ होता है और फीमेल उनके टॉप पे बैठी है, सेक्स पोजीशन भी आपके लिए बिल्कुल सेफ रहता है। आप बैठे हैं और आपके लैप में आपकी फीमेल पार्टनर बैठी है तो इस कंडीशन भी आपके लिए बिल्कुल सेफ होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की इंफॉर्मेशन कि सेक्स आपकी प्रेगनेंसी में आपके लिए कितना सेफ है और कितना ज्यादा हेल्दी है,
तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे एक कमेंट के थ्रू जरूर शेयर करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई एक हेल्दी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।